नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। आपका मेडिकल स्टोर आपने जब स्टार्ट किया तब आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हो और आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो और एक ऐसे लेवल पे लेके आते हैं आपका स्टोर जहाँ पे आपका एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट होने लगता है और तब जाके आपका स्टोर स्टेबलाइज होता है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है और इसमें कितना समय लगता है, तो वो वीडियो जरूर देख। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक ही मेडिकल स्टोर पे रुकना है नहीं, मल्टीपल मेडिकल स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर छोड़ के भी और भी बिजनेसेस है जो आप कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल स्टोर की अर्निंग कितनी होती है ये आपको सारे लोगों को मालूम है कि आपके लिमिटेड एरिया के लोग आपके पास आते हैं, तो आपका अर्निंग, आपका टाइम तो उतना ही जाने वाला है, कोई भी बिजनेस करो टाइम तो उतना ही जाने वाला है, बट जो रिटर्न आने वाला है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। हर एक बिजनेस का मॉडल अलग होता है। इसके लिए मैं आज आपको कुछ अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताने जा रहा हूँ जो आपका मेडिकल स्टोर एक स्टेबिलाइज होता है उसके बाद आपको ये बिजनेस डेफिनेटली करनी चाहिए। तो वो कौन कौन से है, इसके प्रॉफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है और इसमें चैलेंजेस क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जो आपको मल्टीपल बिजनेसेस बताने जा रहा हूँ ये किस चीज़ पे डिपेंड है, तो पहले तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी है आपकी, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी बिजनेस में, साथ में आपका इंटरेस्ट या आपका जो स्किल है वो कहाँ पे परफेक्ट है। हर एक बिजनेस मॉडल अलग है, इसके लिए वो डिसाइड करने से पहले मतलब आप किस चीज़ के लिए अच्छे हो, आपका नेटवर्किंग कहाँ पर अच्छा है, ठीक है, और ये जो चैलेंजेस है वो उसको ओवरकम कर सकते हैं क्या नहीं, ये चीज़ आपको देखनी है और मार्केट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से सबसे पहला बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप रिटेल करते हो, रिटेल में आप एक स्टेबलाइज रिटेल स्टोर होने के बाद आप कर सकते हैं पीसीटी फार्मा। तो फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक्चुअली क्या होता है, कम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है आप कुछ प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो कि आपके आपको सिर्फ वहाँ के राइट्स दिए होंगे कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन आपका ही रहेगा, तो वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं कि वो ब्रांड आप ही सेल करोगे, तो आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर रख सकते हैं या फिर खुद ही रिटेल होलसेल का लाइसेंस अगर आप निकालते हैं तो उसके ऊपर आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कम इन्वेस्टमेंट में होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो मान लो आपका रिटेल स्टोर है और आपके रिटेल स्टोर में आपके डॉक्टर अच्छे कनेक्शन में होते हैं, एक 4-5 साल में आपके और उनके कनेक्शन डेफिनेटली अच्छे होते हैं। तो ऐसे कितने डॉक्टर रहते हैं आपके एरिया में, मान लो आपके नियर बाय 5-6 डॉक्टर है और उसके थोड़े बहुत 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 5-6 किलोमीटर तक आपके एक 10 कुल मिला के डॉक्टर है जो अच्छे कनेक्शन में। तो आपको क्या करना होगा, एक थर्ड पार्टी कंपनी स्टार्ट करें, ऐसा आप सोचेंगे चलो मेरे ब्रांड्स बन गए, ब्रांड में लेके आ सकता हूँ या भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 डॉक्टर के ऊपर कंपनी नहीं चल सकती, यहाँ पे आप पीसीडी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे एक जो डिमांडेड है वो मेडिसिन लेके आके वो बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से क्या होगा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा आपके कनेक्शन से। 30-40 थाउजेंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इवन 1.5 लाख तक आप यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं। इसमें चैलेंजेस थोड़ी ये है कि ये आपके कंट्रोल में ब्रांड नहीं रहते, मान लो कोई ब्रांड उस कंपनी से लेके आप आए हो, वो कंपनी वो पर्टिकुलर ब्रांड सारे जगह पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो कंपनी विड्रॉल भी कर सकती है, या फिर उसकी क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है, तो कुछ बैच खराब भी निकल सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये चीज़ों पे कंट्रोल आपका नहीं होता, आप हालांकि मार्केटिंग आप कर रहे हो उस चीज़ की, लेकिन आपके यहाँ पे ना कि आप मार्केटेड बाय है ना कि आप मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है, यू आर द इंटरमीडिएट पर्सन। सो यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट करने का अच्छा मौका है, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी पे कंट्रोल आपका नहीं है एंड डेफिनेटली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंट्रोल आपका नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं वो है होलसेल। अब बहुत सारे लोगों ने और रिटेल होलसेल का लाइसेंस लेके ही ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डे वन, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप रिटेल कीजिए क्योंकि रिटेल बिजनेस मॉडल अलग है, होलसेल बिजनेस मॉडल अलग है। इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि रिटेल शुरुआत में स्टार्ट कीजिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए, देन यू गो फॉर होलसेल, क्योंकि होलसेल बिजनेस मॉडल अगर आप करना चाहते हैं ना तो उसके लिए रिटेल का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर रिटेल होता है तो रिटेल की क्या तकलीफ है ये आपको पहले जानना जरूरी है, और वो क्या चाहता है एक होलसेलर से, कौन सा होलसेलर बेस्ट होता है उसके लिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि आप नंबर ऑफ होलसेल कर सकते हैं, जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, जेनेरिक्स है, सर्जिकल्स है, FMCG है या पेट केयर का, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स का,
मेडिकल डिवाइसेस का है, ठीक है, तो बहुत सारे होलसेल है जो आप कर सकते हो। तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कौन सा होलसेल आपके लिए बेस्ट है। तो ये सारा होलसेल के लिए हमने एक ऑलरेडी एक डिजिटल कोर्स बनाया है। अगर आप होलसेल ही करना चाहते हैं तो दैट विल बी बेस्ट पार्ट फॉर यू, एंड यहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। तो होलसेल में कुछ चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस क्या है, पहला है फाइनेंशियल ज़्यादा लगते हैं। पीसीडी में जैसे 40-50 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं है। आपको यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट लगेगी, लाइक 10 लाख प्लस लगेगी। लेकिन वहाँ पे कौन सी कंपनी लेंगे, कौन सा ब्रांड्स लेंगे, ये भी चैलेंजिंग, क्योंकि कहाँ कौन से ब्रांड कहाँ पे चलते ये मालूम नहीं होता। और इसमें प्रॉपर स्कीम मैन्युफैक्चरर से लेने चाहिए, C&F को कॉन्टैक्ट करना, ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहता है, ठीक है। और रिटेलर से जुड़ना, क्रेडिट पार्ट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है। क्रेडिट आपको देना ही पड़ता है, वो क्रेडिट आपको वो पर्टिकुलर पीरियड रहता है, मान लो 15 दिन 21 दिन का, उसके बाद पेमेंट आना ही चाहिए। ऐसी चीज़ें बहुत सारी है। कनेक्शन नेटवर्किंग जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन बहुत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए होलसेल आप कर रहे हो ना, तो पहले आप कंपनी मॉडल कौन सा जाएंगे, आप कौन से मॉडल के साथ जाएंगे, मान लो एलोपैथिक जाएंगे, आयुर्वेदिक जाएंगे, FMCG जाएंगे, उसमें कौन सी कंपनी, उसमें कौन से ब्रांड्स, और वो कैसे स्ट्रैटेजी, आपकी टीम को कैसे डेवलप करना है, ये चीज़ें आपको देखनी होगी। तो ये हो गया होलसेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कब करना चाहिए आपको, जब आप खुद एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो, लाइक 15 प्लस, लाइक 20 लाख 25 लाख तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 15 प्रोडक्ट्स कम से कम आपको लेके आने, और एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपको फोकस करना है, और वहाँ पे आपको मार्केटिंग टीम भी डेवलप करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपके राइट्स रहते हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, इवन आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फ्यूचर यही होना चाहिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आप ये जनरेशन टू जनरेशन मूव होने वाला बिजनेस है। तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना ही है। इसके लिए पहले मॉलिक्यूल और ये कौन से एरिया में आप करोगे, कैसे टीम आपकी डेवलप करोगे, इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब चैलेंजेस इसकी क्या है ये मैं बताता हूँ। चैलेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से मॉलिक्यूल लेके आ रहे हो, उसमें कंपटीशन कितना है, रेट कितना, आप कैसे आपको देना है, क्योंकि PCD कंपनीज होती है वो क्या करती है, ज़्यादा स्कीम्स देती है, और MNC कंपनी इथिकल प्रमोशन करती है, आपको दोनों भी करना है, ठीक है। स्कीम्स तो आप ज़्यादा नहीं दे सकते, बट आपको कुछ हेल्दी मार्जिन रख के देनी होती है, ठीक है। और आपको इथिकल भी प्रमोशन करना होता है, कई कबार एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड भी करना होता है। तो ये सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर लिस्ट पे काम करना, मार्केटिंग टीम पे काम करना, मॉलिक्यूल पे काम करना, और उसमें लॉजिस्टिक्स पे काम करना, साथ में डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स जो ट्रेडमार्क रहता है वो, कंपनी का नाम डिसाइड करने से बहुत सारी चैलेंजेस होती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चैलेंजेस है, मार्केटिंग एनालिसिस भी स्ट्रांग आपका होना चाहिए, ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, तब आप एक सक्सेसफुल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, तो वो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट एक चैलेंजिंग पार्ट है। रिटेल के बाद आपको पहले होलसेल का लाइसेंस निकालना चाहिए, होलसेल के बाद आप एज अ थर्ड पार्टी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे और वो एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके मैंने थर्ड पार्टी में बताया। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए चैलेंजेस, अब पहले अपॉर्चुनिटी देखते हैं, चैलेंजेस बाद में देखते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि अलग अलग ग्लोबल आपका आपकी मेडिसिन ग्लोबली जाएंगे, और यहाँ पे बहुत हाई मार्जिन है, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा अर्निंग करके देने वाला है, टर्नओवर करके देने वाला बिजनेस एक्सपोर्ट ही होता है। बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट तो कवर ही कर रहे आप, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट, बहुत सारे कंट्रीज में आपकी जो प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ पे इंडिया में नॉमिनल है, लेकिन अदर कंट्रीज में मोस्टली डिमांडेड है, ठीक है। तो इसके लिए उस कंट्री को देखना, वो बायर्स को देखना, अगर ये चीज़ होती है ना, तो डेफिनेटली दैट बिजनेस विल रियली हेल्पफुल टू ग्रो यूअर रेवेन्यू फ्रॉम द डे 1। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस बायर्स ढूंढना ये चैलेंज है, उस कंट्री के रेगुलेशन ढूंढना ये चैलेंज है, और साथ में आपको वो रेट जो आप ऑफर कर रहे हो वो मैच होना, बिकॉज बहुत MNC कंपनीज ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है, तो आपकी और उन कंपनीज की अगर आप कंपटीशन करेंगे दैट इज़ इम्पॉसिबल। इसके लिए पहले आपके कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, और आप जो रेट दे रहे हो दैट विल बी अफोर्डेबल, आपको भी थोड़ा बहुत उसमें बचना चाहिए, एंड देन आफ्टर देर इज़ कनेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, देर इज़ वेरियस एन नंबर ऑफ चैलेंजेस है एक्सपोर्ट में। तो इसके लिए इंडिविजुअल एक्सपोर्ट बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, बट यस, अगर आपके कनेक्शन अच्छे और आपके प्रोडक्ट्स में दम है और डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन आप टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी।
अब इसके बाद नेक्स्ट है, मतलब मेरे हिसाब से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप थोड़ी हाई इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए, तो वो है ऑनलाइन फार्मेसी, जैसे कि नेटमेड है, टाटा 1MG है, बहुत सारे ऐसे राइवल्स आ गए, तो वहाँ पे अगर आपको करना है तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, साथ में आपको कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि आप हर एरिया में जा सकते हैं और ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों भी आपका कनेक्शन रहेगा, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर कस्टमर एज वेल। ओके, जैसे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस है, वेलनेस फॉरएवर जैसा है, सस्ता सुंदर जैसा है, संजीवनी फार्मेसी जैसा है, वैसे भी आप कर सकते हैं आगे जाके, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें चैलेंजेस क्या है ये मैं बताता हूँ, ऑनलाइन फार्मेसी या फ्रेंचाइज मॉडल बिजनेस में, तो इसमें चैलेंजेस ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल बनाना एग्जैक्टली, क्योंकि फ्रेंचाइजी आपको कौन लेगा, क्यों लेगा फ्रेंचाइजी, ये एक चैलेंज है। ऑनलाइन फार्मेसी में क्या है कि आप इतने ऑफर दे रहे हैं तो आप के पास कितना पेमेंट मतलब आपका रिवेन्यू कब बढ़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपके यहाँ पे इन्वेस्टर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर होने चाहिए, तभी ये बिजनेस मॉडल आगे जाता है, बिकॉज डिस्काउंट पे ही मोस्टली ये ओरिएंटेड रहता है ऑनलाइन फार्मेसी। ओके, सो दैट इज़ वाई आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, मॉलिक्यूल मेडिसिन कौन कौन से लेंगे इसका सर्वे होना चाहिए, टारगेट कैसे करेंगे, एडवर्टाइजिंग का मैनेजमेंट हो, मैन पावर का मैनेजमेंट हो, लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी चैलेंजेस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरकम करनी पड़ती है अगर आप सक्सेसफुल ऑनलाइन फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो। तो ये कुछ मैंने बताया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप आपका फार्मा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे आप अलग अलग बिजनेसेस कर सकते हैं रिटेल फार्मेसी से। तो ऐसे ही हम बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताते हैं हमारे वर्कशॉप में, जो रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट इसका नाम है, जो लाइव वर्कशॉप रहेगा, जो 11 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत कम दिन बचे और ऑलमोस्ट सीट्स भी फुलफिल हो चुकी है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी लिंक डिटेल्स दे दी है। सो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी है।